सरफगंज और कर्नलगंज, इन तहसीलों में जो एल्गिन पर रिकॉर्डेड वो है वाटर लेवल है वो 39 सेंटीमीटर्स अबव है, तो एक डेंजर लेवल के ऊपर फ्लो दिख रहा है। तो सभी जगहों पर तटबंधों पर विशेष रूप से अच्छी निगरानी के लिए सभी को सतर्क किया गया है। इन दोनों तहसीलों में अभी हमारे 15 गांव जो हैं वो बिल्कुल सटे हुए गाँव हैं जहाँ पर मुश्किली पानी आ जाता है। तो इन गांवों में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बाढ़ चौकियाँ और बाढ़ शरणालय जो हैं उनको प्रॉपरली एक्टिवेट किया हुआ है, और तहसील प्रशासन भी जो है वो निरंतर संपर्क में है इन गाँव के नागरिकों से। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जो परिवार हैं जिनके खेत और छोटे नले वगैरह वहाँ पर रखे होते हैं जहाँ पानी आने की संभावना है, उन लोगों को नीचे से शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी स्थिति नियंत्रित है, सभी जगह पर हम लोग कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं, तटबंध में भी कोई ब्रीच नहीं है, इसकी भी पेट्रोलिंग फ्लड डिवीजन जो है वो कर रहा है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड राइजिंग है तो उस पर और सतर्क अलर्टनेस हम लोगों को सतर्कता रखने की आवश्यकता है।